सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज 14 अक्टूबर श्राद्ध की मावस, जो आज की मावस होते हैं वो बहुत बड़ी मावस होती है, क्योंकि आज पितृ जो होते हैं विदा हो जाते हैं, कल से देवी आ जाएंगी। और इस बार जो देवी आ रही है वो आ रही है हाथी पर सवार होकर। मुझे नवरात्रि बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। क्या नवरात्रों की बात करेंगे कल से। आज मेरे लिए ऑफिस से छुट्टी होगी, आज ना मावस वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं, पूरे घर की सफाई वगैरह करना, फिर मम्मी थाली निकालती हैं, फिर मार्केट जाना, सांझी लाना, देवी का श्रृंगार का सामान, बहुत सारी तैयारी होती है। फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। तो मैं तो कर रही हूँ सारी क्लीनिंग, क्योंकि आज सारी बेडशीट, पिलो कवर, सोफा कवर, कुशन कवर, सारी डस्टिंग, पूरी धुलाई सब होती है। तो मैंने ये वाला काम कर रही हूँ। मम्मी बना रही है खाना, तो मैं दिखाती हूँ कि मम्मी का काम कहाँ तक पहुँचा। फिर मशीन में लगानी, आज मैं पहली बार मशीन लगाऊंगी, आज तक मैंने कभी मशीन नहीं लगाई। तो चलो चलते हैं। ये हो गई मम्मी 16 दिन की, 16 पूरी होती है ये वाली। हाँ, 16 दिन की सोलह, 4 मावस की है, 4 सप्तियुतों की है। आज इतनी सारी पूरी जाती है। अच्छा, और ये हो गया लच्छा, इसमें रायता, इसमें आलू टमाटर वगैरह है, और इधर हो गई खीर और एक कढ़ाई, और बस एक देवतों की थाली रह गई ना। हाँ, 8 देवतों की थाली की बनी आज पूरी, बहुत बने मैं कहना रही। अच्छा, और फिर मम्मी जाएंगे देवतों। मार्बल माय फेवरेट, कोई नहीं ना। सो गाइस, मम्मी तो चली गई पापा के साथ मंदिर, क्योंकि जाना था देवतों पे। और मेरे को धोने पड़ रहे कपड़े, इतने सारे कपड़े मम्मी ने ना पूरे 1 हफ्ते 10 दिन पता नहीं कब कब के कपड़े इकट्ठे कर लिए थे। तो मम्मी मेरे को बोल के गई थी कि मशीन लगा ली, तो मैंने मशीन तो लगा ली। ये रही, मम्मी बोल के गई थी कि पहली बार ना सारे व्हाइट कपड़े डालू, जितने भी व्हाइट कपड़े हैं वो सारे फर्स्ट चक्कर में चलाई, उसके बाद फिर कलरफुल कपड़े डालू। तो मैंने वैसे ही किया है, जितने भी व्हाइट कपड़े थे ना मैंने सारे व्हाइट ही कपड़े चलाए हैं चक्कर में। अब पता नहीं मुझे कैसे धोते हैं कैसे नहीं धोए, कि मेरा फर्स्ट टाइम है, बट फिर भी मैंने कर दिए। इसमें जितने भी व्हाइट कपड़े आ सकते थे ना मैंने सारे व्हाइट कपड़े डाल दिए, पर मैंने ना इन दोनों कपड़ों को डालो, कि दोनों कपड़े व्हाइट नहीं है ना, तो मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा था कि इनको डालना या नहीं डालना। तो अब कन्फ्यूजन तो मम्मी आके क्लियर कर सकते हैं कि इनको डालना था नहीं डालना था। अब आके मम्मी सुनाएंगी या खुश होंगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कैन यू सी कितने सारे कपड़े हैं, वह बहुत ही सारे कपड़े हैं। फिर जीन्स पैंट और शर्ट और चद्दर, कितनी सारी चद्दर चेंज किया, सोफ़ा कवर, कुशन कवर और साड़ी वगैरह, कितने सारे कपड़े हैं। भगवान कैसे होगा, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम कपड़े धो रही हूँ सीरियसली। और उसके बाद सांझी मैया लेने भी जाना है, और मेरी फ्रेंड भी आएगी, बहुत सारे काम है। एक छोटी सी जान को कितने सारे काम है, और मैं अभी तक नहाई भी नहीं, मुझे नहाना भी है। कैसे होगा आज, कैसे होगा। सो गाइस, मैंने ना 1 टाइम के कपड़े तो धो लिए थे, जो वाइट वाइट कपड़े थे सारे वो मैंने इस ड्रायर में डाल दिए, और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़े थे मतलब नेक्स्ट टाइम भी इसमें डाल दिए। और अब माते मेरी आ चुकी है, तो अपना जो क्या होता है कारभार वॉट एवर जो भी होता है, तो मम्मा संभालेंगी, मैं चलती नहा धो के रेडी हो रहा हूँ, मेरी फ्रेंड भी आएंगी तो जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाते हैं। तो क्या आप अपने घर में समझ में आ रखा है, निकाल लेते हैं कुछ तो। सो गाइस, फाइनली मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी, मैंने पहने ही वाइट जॉगर्स और ये वाली पिंक कलर की टी शर्ट, और चालू हो चुका है इंडिया पाकिस्तान। कैन यू सी इट, मतलब 2 बजे चालू हो जाएगा, तो आई एम सुपर एक्साइट। पर मैं पूरा तो नहीं देखूंगी, थोड़ा थोड़ा तो देखती रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी हैं। और अब मैं चली बनाने ब्रेड पिज़्ज़ा, यार कितने सारे काम है मेरे को। सुबह मैंने पहले सफाई की, फिर मैंने कपड़े धोए, और अब मैं जा रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने, क्योंकि ब्रेड पिज़्ज़ा भाई को है तो मेरे है तुषार के हाथ के अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो जल्दी से ब्रेड पिज़्ज़ा बना के फिर निकलूँगी मार्केट, देवी जी की साड़ी लेके आई थी वो उठा के ला के आने, फिर मंदिर में देनी भी है, तो चलो चलते हैं साथ में। ये कपड़े तो धुल भी गए, ये धुल रहे हैं। एंड लाओ सेक दूँ क्या, यार प्याज लिया, प्याज करूँगा किस जरा। अच्छा ठीक है, सेक रहे। सो गाइस, यहाँ पे मेरा सिक रहा है ब्रेड पिज़्ज़ा, देखो एक पड़ा है मेरा तवे पे और एक मैंने डाल रखा है टोस्टर में। टोस्टर में मैं सेक के देख रही हूँ कि कैसे सिकता है। तो ये रहा तवे पे, तवे पे ज़्यादा अच्छा सिकता है, बट फिर भी मैंने सोचा जब टोस्टर है तो वाई नॉट टू ट्राई ऑन द टोस्टर। प्रथम खा लेगा, फिर मैंने शादी शुरू बुलाया, वो भी आ जाएंगे, वो खा लेंगे, फिर मैं निमट जाऊँगी, फिर चलेंगे मार्केट। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, और लेकिन फिर जुकाम भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा मिक्स कॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है, वाई। सो गाइस, मैं सारे काम निपटा के रेडी हो चुकी हूँ, ब्रेड पिज़्ज़ा भी खिला दी, फिर मम्मी ने बोला वाटर बॉटल भर दे, मैंने वो भी भर दी, शुभ को ब्रेड पिज़्ज़ा खिला दिया। हाउ वाज द ब्रेड पिज़्ज़ा, अच्छा अच्छा था।
और सांची का पैक करती है, तो मैं जा रही हूँ जरा बाजार तक, सांची भी लानी वो भी लानी, तो चलो चले। सुबह तेरे पैसे ले लिए नानी से, तुमने से दे दी पैसे? अरे मम्मी के कपड़े भी धुल रहे हैं यहाँ पे। So guys, now we are going. Here is me, here is my doggy. अरे नहीं, my doggy. ये दोनों मेरे साथ हमेशा खुश रहते हैं, रहते नहीं रहते? रहते हैं. And now I am looking up and down. आज मेरे बहुत सारा काम किया पता है सांची, आज मैंने कपड़े धोए, सफाई की, पानी की बोतल भरी और ब्रेड पिज्जा भी बनाया। मोटे आज मैंने इतने सारे काम किए हैं। अच्छा नहीं सच में, फोर काम किए, फोर काम। और मैं चलिए ब्रेड पिज्जा लाई थी, मैंने खा के भी बताया कैसा बन रहा है। अब सदर से जाके फिर तो हम चले जाएंगे बाजार, फिर कैसे खाएगी तू? कहाँ पे जाओगे? फिर खाना खाने जाएंगे हम कहीं वैष्णवी मौसी के साथ, तो तुझे छोड़ दूंगी, तो ब्रेड पिज्जा खा ली, मैं शुभ को ले जाऊंगी। हाँ, एक तो खा लूंगा ना, जल्दी से। खत्म हो गई बड़ी वाली, ये सांझी नहीं है, बाल वाली चाहिए, नहीं बिना बाल वाली छोड़ी हम नहीं लगाते कभी बाल वाली। वाली सही मोटी? हाँ क्यों, वो कैसी वाली? ये वाली भी अच्छी लग रही है, ये वाली उससे अच्छी है, पर इनका मुंह सही नहीं आ रहा। हाँ गो फॉर दिस पिंक वन। मौसी क्या हुआ? पर्पल 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 अच्छा है। काली मंदिर वो शूज तो बाद में दिलवाएंगे, अभी कुछ चाहिए तो जूती वूती तो देख ले। छाया हेलो, हाय वैष्णवी, मैं तो देख लूँ अपने आप को। हाँ यार देख वैष्णवी क्या लेना है। तो भाई छाया वैष्णवी मैं सांची शुभ हम लोग आए हैं यहाँ पे 0 degree चुपला है बेगमपुर पर, काफ़ी अच्छा एम्बियंस है इसका, है ना सांची? yes. काफ़ी लाइट म्यूजिक चल रहा है, सूदिंग एंड एम्बियंस अच्छा है, फूड भी हम ट्राई करेंगे। कैन सी, आई कैन सी हियर इन मिरर, इधर मिरर्स, यू कैन सी मी हियर इन द मिरर्स ऑल्सो। हाँ तू तो मुझे पता है, तू इसी चीज में लगी रहती है। अरे भाई पिज्जा तो ले लो, वी एंजॉयड द प्लेस, एम्बियंस वाज नाइस एंड फूड वाज आल्सो नाइस। वैष्णवी वाज द फूड ऑसम, डिड यू लाइक द फूड? शो यू गेट अ पापा का परा, छाया लिया एक कैरी बैग और अब हम चले घर की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग पूजा का सामान लेने, देवी जी का श्रृंगार का सामान और उसके अलावा चुन्नी वगैरह और साड़ी का पेटीकोट, ये सब लेकर हम जा रहे हैं। मुझे पूरा दिन लिटरली मेरा ऐसे निकल गया, पता भी नहीं चला सुबह से, मैं सुबह से यूँ निकल गया, मम्मी पता ही नहीं चला कहाँ गया पूरा दिन मेरा, फिर कोई नहीं चले सामान लेके आगे। दो सिंदूर, हाँ दो दो देना, ये क्या है? शीशे, हाँ ये भी दो दो दे दो, क्योंकि एक तो मैं अपने मंदिर के लिए चाहिए और नारियल कितने कितने के बेच रही बोलूँ यहाँ मम्मी, तो ऐसे ही पूछ रही हैं। सस्ते हो रहे हैं नारियल? हाँ तुम्हें कैसे पता? अरे हम सूर्य देवतों पे गए थे, 100 के 400 के 400 के 400 आवाज लगा रहा था। अच्छा जी, हाँ मन की अब की बड़ी नारियल की। चाचा कंगा हो गया और ये शीशा हो गया, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, अभी तो सामान बहुत सारे हैं। हाँ
निकाल दो चाहते सारा। रेड कलर का चाहिए, रेड कलर है ये, नॉर्मल साइज है ना। हमने शॉपिंग कर ली, अब यहाँ चल रही है डेकोरेशन। कल से नवरात्रि के दिन सी द डेकोरेशन है। और जय माता दी, कल को मैं ये रेडी होंगी। यस यहाँ पे सारी डेकोरेशन हो गई। हेलो हेलो, अच्छा ट्यूशन नहीं पढ़ने जाते मैम के पास, हम मां नहीं जाते, डर गया ये मेरे से। मम्मी चलो, ओ माते आ जाओ, माते आ जाओ। सो गाइज, मैंने कर लिया मंदिर का सारा सामान पैक। ये देवी मैया की साड़ी, इसमें मैंने रख लिया 5 कपड़ों से, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट रुमाल और चुन्नी, और ये हो गया 16 श्रृंगार। अब हम चले मंदिर में देने। चलो मम्मी चलो, कैसे भी हाँ बिछुए तो रख दिए मैंने, एक जोड़ी अपने देवी वाली मैया में रख लिए थे। सो गाइस, छाए आई थी, वो मेरे लिए लाई थी मेकअप का सामान एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो दिखाती नहीं क्या के लेके आई, उसे पता है मेकअप मेरे को बहुत पसंद है, तो इसलिए वो मेरे लिए बिल्कुल यूजफुल चीज़ लेके आई। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। मेरी फेवरेट चॉकलेट, लैक्मे का आइकॉनिक लाइनर एंड दिस काजल एंड माई ग्लैम की लिपस्टिक। और लिपस्टिक का शेड ना बिल्कुल एप्रोप्रिएट है जो मैं लगा दूँ, बिल्कुल न्यूड वाला, तो आई टू जस्ट लव दिस वन। एंड ये है लैक्मे की रेडियंस क्रीम, ब्राइटनेस ड्राई क्रीम विद सनस्क्रीन। एंड एक ये भी लाइक कुछ इस टाइप की क्रीम है, ब्राइटनिंग ड्राई क्रीम विद सनस्क्रीन। तो ये दो क्रीम हो गई, एक थी और ये सब सामान। थैंक यू मेरे लिए सब सामान लाने के लिए, थैंक यू सो मच। यार आज मैं सुबह से बहुत थक गई, घर की सफाई की, फिर कपड़े धुलवाए, फिर होटल भरी, फिर मैंने ब्रेड पिज्ज़ा बनाया, फिर मैं बाजार चली गई सामान लेने, फिर मैं उनके साथ चली गई। सुबह ही कर लूँगी, ज़्यादा काम तो कुछ करना ही नहीं। हाँ फिर दोबारा बाजार चली गई और टाइम हो गया, थक गई यार। अब कुछ और करते हैं, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। वेट, सो मेरे को मिली है रेड चीफ की तरफ से ये डायरी एज अ कोलैबोरेशन। तो मैं इस डायरी का पूरा रिव्यू शेयर करूँगी, इसके ऊपर रील्स बनाऊँगी, तो जो आपको देखने को मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी देखने को मिलेंगी, स्टोरीज भी देखने को मिलेंगी। सो ये नोटबुक है रेड चीफ की तरफ से, इसका जो स्टफ़ है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे साइड में आपको मिलेगा एक पेन, एंड जो इसकी पेपर क्वालिटी है दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ ऑसम। और ये बहुत कॉम्पैक्ट सी डायरी है, तो आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो तो आप अपने नोट्स बना सकते हो, देन यू कैन नोट डाउन योर यूट्यूब वीडियोज़ आइडियाज़। जैसे कि मैं इसमें अपने यूट्यूब वीडियोज़ आइडियाज़ लिखने वाली हूँ, और जो भी वर्क रिलेटेड इशू कुछ भी काम होता है आप सब चीज़ इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट और अच्छी डायरी है। सो अगर जिसको भी डायरी परचेज करनी हो ना, नोटबुक परचेज करनी हो, तो आप रेड चीफ के इंस्टाग्राम पेज पर जाके कर सकते हो। मैं उस पेज का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो जल्दी से जाके उस पेज को इंस्टा पर फॉलो कर लेना, और एक डायरी नोटबुक परचेज भी कर लेना। एंड थैंक यू। एंड द गाइज, फाइनली इंडिया जीत गई, हिस्ट्री कंटिन्यूज। वर्ल्ड कप में इंडिया का थर्ड मैच था और इंडिया थर्ड के थर्ड जीत गई, और इतने कम ओवरों में इंडिया ने दम रन बना दिए, सारा टारगेट पूरा कर दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, फाइनली इंडिया जीत गई। आई होप कि इस बार इंडिया भी, सॉरी वर्ल्ड कप इंडिया ही लेके आए, फिंगर क्रॉस। एंड रियली 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 वेरी 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 हैप्पी। कौन कौन ये होप करता है कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया लेके आए, कॉमेंट करो। और इंडिया के लिए बहुत 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 सारा प्रे करना, बहुत सारा प्रे करना। एंड मैं थक चुकी हूँ, सो अब जल्दी मैं क्या करूँगी, जल्दी मैं चेंज करूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी काम नहीं करने जाता। फिर सुबह उठ के मंदिर की सफाई वगैरह जो भी काम है कल ही करूँगी, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।